हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दूं, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती बहुत बम्पर वैकेंसी निकली है। इतनी पोस्टों पर बहुत कम ही वैकेंसी निकली है। 1410 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। कितने? 1410 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। बहुत बड़ी पोस्ट है, आप लोग को एक पोस्ट लेना है। चलिए बात कर लेते हैं इस पोस्ट के बारे में, कैसे कैसे आप लोग को इस वैकेंसी में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। आप लोग बता दो, मध्य प्रदेश के विभिन्न संभागों में यह वैकेंसी, विभिन्न संभागों और विभिन्न जिलों में मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, यानी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 1410 पदों पर भर्ती निकली। कौन कौन सी पोस्ट है? तीन पोस्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी के लिए 1410 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन केवल महिला उम्मीदवार ही कर सकते हैं। अगर आप लोग बताओ नहीं, आंगनबाड़ी जो होती है महिलाएं ही होती हैं। ये भर्ती परीक्षा डायरेक्ट होगी, आप लोग का पेपर नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आप लोग की परीक्षा, यानी आप लोग की मार्कशीट के आधार पर आप लोग का अंकों का चयन किया जाएगा, यानी आप लोग की योग्यताओं के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि अलग अलग जिलों की अलग अलग है। आप लोग अपने बाल विकास विभाग जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में बाल विकास विभाग होता है, वहाँ पर जाके पता कर सकते हैं, या आप लोग को इसकी योग्यता कहाँ क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, तिथि क्या होगी, आप लोग इसकी अलग वीडियो। ये तो आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रही है कि आप लोग तैयार रहिए। आप लोग की जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर संभाग में 1410 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई। आप लोग को पता चल जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में, और आप लोग की योग्यता क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, आप लोग कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर अप्लाई करना होगा, इसकी पूरी डिटेल वीडियो आप लोग को आज या आज शाम तक आप लोग को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोग तक यह वीडियो पहुंच सके। इन्फॉर्मेशन के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा, कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, किन किन जिलों में निकले, किन किन संभागों में निकली है, और कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, कहाँ से यह पता चलेगा पूरा, और संभाग के अंदर का आप लोग जिला पता करेंगे, जिले से बाद आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में पता, क्या नाम है, गाँव में पता करेंगे, तभी तो पता चलेगा। हर गाँव में, हर ब्लॉक में रहती है, ठीक है। इसलिए आप लोग को इसकी जानकारी कुछ ही देर में मिल जाएगी।